ग्रीन बिल का टारगेट अचीव हो गया। एंड यहाँ पे ये मेरा पोजीशन, हम जिस दिन ब्रेकआउट आया था उसी दिन एक्टिव रखे थे, ये मेरा एंट्री पॉइंट बना था। और ये जो ट्रेड था, ट्रेड हम आप लोग के संग शेयर करते ताकि आप लोग को इजी हो यहाँ पे ट्रेड समझने में। ये पेपर ट्रेडिंग है, ये प्रॉफिट रियल प्रॉफिट नहीं है, पेपर ट्रेडिंग है, जस्ट ऐसे लर्निंग के लिए है बना हुआ है ताकि इमोशंस कंट्रोल आए। यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन का यहाँ पे क्या आ रहा था, ब्रेकआउट, ठीक है। और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे ये एक पहला जो हाई था, ये हाई से ही यहाँ पे रेसिस्टेंस लगना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से रेसिस्टेंस लग के नीचे गिरा, वापस रेसिस्टेंस से नीचे गिरा, वापस मार्केट जब ये दोनों हाई को तोड़ा था तो मेरा एंट्री यहीं पे बन चुका था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम यहाँ पे था। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, मेरा ये जो पोजीशन था, ये पोजीशन मेरा लॉस में बदल चुका था। रियल मनी होता तो एग्जिट कर देते, लेकिन ये रियल मनी नहीं है। अब बोलेंगे रियल मनी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इसको देखने के लिए। तो फिर इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये रिटर्न गिरा, लेकिन अब एग्जिट नहीं किया, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस था। इमोशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नहीं गिरा, फिर मार्केट आज क्या हुआ, इसको तोड़ा, और जो अपना फर्स्ट टारगेट था 1810, ये जो टारगेट है, ठीक मार्केट उसी टारगेट के पास जाके वहाँ से गिर रहा है। तो इमोशंस सबसे बड़ा चीज़ है, अगर ये मेरा रियल मनी होता तो मे भी हम यहाँ पे जो एंट्री लिए थे, यहाँ पे जो फॉल आया, यहाँ पे हम एग्जिट कर देते, लेकिन ये डेमो अकाउंट है बोल के हम इसको होल्ड करके रखे। यानी कि सबसे बड़ा जो प्ले रोल अपने ट्रेडिंग लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो है अपने इमोशंस। चार्ट पैटर्न इजी है समझना, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है।